तो भगवान बुद्ध को प्रकृति ने कमल का फूल से स्वागत करता था। ना लाइटिंग दिस हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रेवल है। दोस्तों, हम आप पहुँचे हैं पटना से करीब 140 किलोमीटर दूर महाबोधि टेम्पल, जो कि भगवान बुद्ध का, बौद्ध धर्म मानने वालों का बहुत बड़ा टेम्पल है। यहाँ पे पूरी दुनिया से अलग अलग धर्म मानने वाले लोग यहाँ आते हैं। और अभी हम मंदिर जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे आफ्टर लॉकडाउन क्या हालत है, अभी कितने लोग आ रहे हैं। ज़्यादा ही लोग आते होंगे क्योंकि अभी कोरोना का डर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मैं घूमने आया हूँ वो मंदिर, मंदिर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी दूंगा और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए सीधा अभी मंदिर में मिलते हैं। तो देखिए, ये पाथवे है, आप पैदल जा सकते हैं, 300 मीटर है। इस रास्ते से होते हुए आपको मंदिर जाना है। ओनली ई रिक्शा अलाव है यहाँ पे। ई रिक्शा वाले 5 रुपये से 10 रुपये लेते हैं, आप जैसा बार्गेन कर लीजिए वो आपको मंदिर तक पहुँचा देंगे। हम लोग अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं चलते हुए, कुछ लोग ई रिक्शा से भी जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पैदल ही जाओ, ताकि आप रास्ते में जो चीज़ें हैं उसको देखते हुए, आनंद लेते हुए जाओ। इसके बाजू में एक अच्छा सा होटल भी है। यहाँ पे एक बोधि ट्री है, बोधि ट्री उसको बोलते हैं। वो कहते हैं हजारों साल पुराना है। जब गौतम बुद्ध यहाँ पे, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, जब यहाँ पे तपस्या करने आए थे तो 3 दिन तक रात दिन तपस्या करते रहे और उनको कहते हैं सत्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद 7 हफ्ते तक अलग अलग जगहों पर जाके उन्होंने ध्यान लगाया और अभी उस जगह को कुछ ना कुछ उस जगह पे बनाया गया है और लोग वहाँ भी घूमने जाते हैं। देखिए, मेन एंट्रेंस में चेकिंग होती है, यहाँ पे आपको चेक किया जाएगा। अगर आप कैमरे का टिकट लिए हो तो कैमरा लेके आ सकते हो, और निशुल्क है, आप बिना टिकट के जा सकते हो दर्शन करने के लिए। यहाँ से मंदिर दिख रहा है हमारे राइट साइड में, आप देखिएगा वो मंदिर है। बिना मास्क के एंट्री नहीं है यहाँ पर भी। मोबाइल आपको निशुल्क में जमा के करा लिया जाएगा। अगर आपके पास स्टिल कैमरा है तो 100 रुपये और वीडियो कैमरा है तो 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर चेकिंग की जाती है, आपके पास मास्क होना चाहिए, जूते चप्पल भी आप रख दोगे वहाँ पे। इसके जस्ट पीछे एक वॉशरूम है और आपको चल के मंदिर की तरफ जाना है। मेरे तरफ से सर आप लोगों का ये मंदिर में हार्दिक स्वागत है सर। मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं बिहार टूरिज्म को थ्राइड गाइड हूँ। ये मंदिर का नाम है सर महाबोधि महाविहार मंदिर। ऊपर का जो टॉप देख रहे हैं वो प्योर सॉलिड गोल्ड है। उसको थाईलैंड के राजा द्वारा 2011 में डोनेट किया गया। ये प्राचीन इतिहास से मंदिर सर 3rd सेंचुरी में 30 फीट अशोक सम्राट बनवाएं, 150 फीट समुद्र गुप्ता बनवाएं 4th सेंचुरी में। फिर 1205 AD में सर मोहम्मद बख्तियार खिलजी बीच है इस मंदिर को तुड़वा दें। तुड़वाने के बाद मंदिर का ये खुदाई किए तो खुदाई में ये 500 स्तूपा निकला। पहले स्तूपों का पूजा होता था, पहले बुद्ध भगवान का फुटप्रिंट का पूजा होता, लेकिन पहले मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता। मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी अभी मिल जाएगी इनके द्वारा, तो ये एक एक चीज़ डिटेल से बताएंगे और उसमें मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा अभी। ये मंदिर जो देख रहे हैं सर, तो महिपाल राजा पाल वंश के थे, वो 10वीं शताब्दी में डोनेट किए थे। ये प्योर ब्लैक स्टोन का है, काले पत्थर का सोने का पानी चढ़ाया हुआ। इधर से एंट्री करना है आपको, हाथ सेनेटाइज कर लेना है और यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी मंदिर के अंदर। ये बोधि ट्री में सर बुद्ध भगवान को जन्म भी हुआ वैशाख पूर्णिमा में सर, बुद्ध भगवान को ज्ञान भी मिला वैशाख पूर्णिमा में, और बुद्ध भगवान को महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ। पेड़ का 4th जनरेशन है। 1st जनरेशन का पेड़, पहला पेड़ अशोक की पत्नी त्रिचित्रा ने कटवा दी क्योंकि वो बौद्ध धर्म नहीं मानती थी, वो जैन धर्म मानती। पहला रूट से दूसरा पेड़ तैयार हुआ तो दूसरा पेड़ बंगाल के राजा का नाम शशांक था,
शशांक ने दूसरा पेड़ को कटवा दिए। वो बौद्ध धर्म नहीं मानते थे, वो सनातन धर्म मानते थे। दूसरा रूट से तीसरा पेड़ तैयार हुआ, तो तीसरा पेड़ जब जोर से आंधी तूफान चला तो पेड़ जो है सर जड़ से ही सर्वनाश हो गया। ये चौथा पेड़ है जो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्रा था और पुत्री का नाम संगमित्रा, तो उन दोनों ने पीपल टी का दो ब्रांच ले जा करके यहाँ से एक सारनाथ मंदिर में ले गए महेंद्रा, और संगमित्रा श्रीलंका अनुराधापुरम में, श्रीलंका से पेड़ को लाकर यहाँ लगाया गया। तो ये पेड़ का पूरा नाम है पलंका बोधिसत्वा ट्री, जो कि ये पेड़ रियल नहीं है सर, आसन रियल। बुद्ध भगवान जब 7 दिन वहाँ से ये बोधि ट्री को अपलक दृष्टि से देखते थे, अपलक का मतलब बिना पलक झपके हुए देखते, उसको बोलते हैं कटक, वहाँ से देखते हुए बुद्ध भगवान अंतर ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। ये थर्ड भी है सर, इसको बोलते हैं चंक्रमण स्थल। बुद्ध भगवान इसके चारों तरफ वॉकिंग मेडिटेशन करते थे, करते हुए थर्ड बिग बिताएं। जब पहला चरण इस धरती पर पड़ा तो बुद्ध भगवान का चरण जहाँ जहाँ इस धरती पर पड़ा तो धरती के अंदर से कमल का फूल निकलता। तो थर्ड सेंचुरी में अशोक सम्राट बनवाए ये फुटप्रिंट, फिर 1205 AD में खिलजी बीच से सबको खंडित कर दिया। ये वाला ओरिजिनल है सर, ऊपर में रेप्लिका बना गया। चौथा सप्ताह उधर है सर, उसको बोलते हैं रत्नाघर। जब तपस्या करते थे बुद्ध भगवान तो उनको बड़ी एफर्ट हुआ, बड़ी एफर्ट में 5 कलर निकला, रेड, येलो, वाइट, ब्लू, ऑरेंज, जो कि उसको पंचशील झंडे का नाम से जाना जाता है। पंचशील ऊपर में झंडा है सर, उसी का शांति का स्मारक है। उसको बोलते हैं सर अजपाल निग्रोध बनियान ट्री। निग्रोध का मतलब पाली लैंग्वेज होता है सर, उसका हिंदी शब्द का अर्थ होता है कि वहाँ पे बरगद का पेड़ था, इसके नीचे बुद्ध भगवान 5th week तपस्या किए थे। अजपाल नाम है सर, अज का मतलब बकरा होता है, पाल का मतलब पालने वाला, जो वहाँ बकरा पालता था उसको चरवाहा बोलते हैं। चरवाहा ब्राह्मण के शब्दों में एक प्रश्न किया कि मनुष्य जन्म से ब्राह्मण होता है वरन कर्म से ब्राह्मण होता है, तो बुद्ध भगवान बोले सर कि मनुष्य को जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता। 7 week वहाँ बुद्ध भगवान तपस्या किए टोटल, हाँ जी 49 days। जब तपस्या करते थे बुद्ध भगवान तो तपस्या करते करते इनको शरीर से बुद्ध भगवान का 2 व्यापारी वहाँ पे आए, और आने के बाद उनको देने के लिए कुछ नहीं था, तो बुद्ध भगवान बोले बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, हमें धर्म की शरण में जाना चाहिए। संघ यही नहीं मिला सर, संघ वाराणसी सारनाथ मंदिर में एक समुदाय बनाए, समूह बनाए। बर्मा का जो 2 व्यापारी यहाँ पे थे सर, वो बुद्ध भगवान का बाल का नाखून और चोटी काटकर और सर का बाल काटकर और नाखून काटकर यहाँ से ले जाकर बर्मा में रखवाएं, और बुद्ध भगवान को जो 2 व्यापारी थे उनको खाने के लिए बुद्ध भगवान को दिए हनी, चपाती, चावल, केक। खाने के बाद इनको आत्म का संतुष्टि हुआ। अशोका पिलर सर 100 feet हाइट था, इसके चारे कोने में सिमल में शेर का मूर्ति था, तो इसको 3rd century में अशोक सम्राट बनवाया, फिर 1205 AD में खिलजी 85 feet से तुड़वा दिया। ये 15 feet का बचा, जो टूटा उसमें शेर का हेड बचा, तो 1826 century में जनरल लॉर्ड कनिंघम यहाँ से ले जा करके कलकत्ता इंडियन म्यूजियम में रखवा दिया। इसको बोलते हैं सर नागराज मुचलिंदा सरोवर, बुद्ध भगवान इसको नागराज मुचलिंदा सरोवर के नाम से क्यों जाना जाता। यहाँ पे बुद्ध भगवान यहाँ 6वां सप्ताह तपस्या किए थे सर, 7 days। तो तपस्या करते करते जोर से आंधी और तूफान चला, उसके बाद मूसलाधार बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि बुद्ध भगवान को माथे तक पानी पहुँचा। पहुँचने के बाद शेष नाग ने इनको रक्षा किए सर, इसको बोलते हैं नागराज मुचलिंदा सरोवर। मुचलिंदा का मतलब पाली लैंग्वेज है सर, इसका हिंदी शब्द का अर्थ है नागराज को मुँच को मुचलिंदा बोलते हैं, तो इसको मुचलिंदा सरोवर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट टाइम आए हैं, कैसा लग रहा है दिलीप जी आप, संजोत जी? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा है, अच्छे से मैं इसको मैनेज किया गया है, ध्यान ख्याल रखा जा रहा है चीज़ों का, पुरानी चीज़ें, तो ये एक अच्छा है, और बिहार में ऐसा और भी होना बहुत ज़रूरी है, उस लिहाज से काफ़ी ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। टूरिज़्म को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा अगर ऐसे चीज़ों को और अच्छा तरीके से विकसित किया जाए, और उनको मतलब एक प्रॉपर ऑनलाइन पोर्टल पे उनका प्रॉपर प्रमोशन किया जाए, तो बाहर से लोग और भी आकर्षित हो गए यहाँ पे आने के लिए, बहुत ही सुकून देने वाला जगह है। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही हम लोग निकाले हैं कि रास्ते की जो आप हालत थे वो रोड ट्रिप में आपने देखा ही होगा, यहाँ आई मैं दे दूँगा वो वीडियो देख लेना, रास्ते की हालत बहुत गंदी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद
मन में एक अच्छी सी शांति, मतलब अच्छा लग रहा है, जो यहाँ आने के बाद दिल को थोड़ा सुकून मिल रहा है। तो अगर इसको थोड़ा प्रमोट किया जाए अच्छे से, तो लोग दूर दूर से यहाँ विदेश देश विदेश से आते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को ही ठीक से नहीं पता ही गया में है क्या। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग अगर यहाँ आना चाहें तो बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को है, और काफ़ी डेवलप्ड सिटी है ये। आप गया शहर अच्छा लगा मुझे घूम कर। तो आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आइए और इस जगह को देखिए और यहाँ के बारे में समझिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी इस मंदिर के बारे में, जो उन्होंने 7 सप्ताह यहाँ पे व्यतीत किया, कहाँ पे क्या किए, सब जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ ही गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।